परमात्मा की दिव्य कृपा से यह शुभ अवसर आया। परमात्मा की दिव्य कृपा से यह शुभ अवसर आया। मान दिवस पर हम सबने पावन संकल्प सजाया। मान दिवस पर हम सबने उत्तम संकल्प सजाया। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बैनर तले सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सम्मान पर्व के इस पावन मंच पर मैं मनोज वाजपेयी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इससे पहले कि इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जाए, मैं आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अध्यक्षा प्रोफेसर कुसुमलता मलिक मैम को, जो कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अध्यक्षा होने के अतिरिक्त सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की संयोजिका भी हैं। तो मैं उन्हें अपने इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए, यथासंभव परिमार्जन के लिए भी उन्हें इस मंच पर विधिवत आमंत्रित करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस मंच पर प्रशंसनीय है, प्रार्थनीय है। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रोफेसर कुसुमलता मलिक मैम, दृष्टिहीन के उद्धार खातिर जो ख्वाब देखे थे लुई ब्रेल ने, दृष्टिहीन के उद्धार खातिर जो ख्वाब देखे थे लुई ब्रेल ने, रुमटा जी की रहनुमाई में अब वे हकीकत में ढल रहे हैं। रुमटा जी की अगुवाई में वे अब हकीकत में ढल रहे हैं। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव, हम सभी के लिए उत्साह एवं प्रेरणा के स्रोत चेतनापुंज श्रीमान संतोष कुमार रुमटा जी, जिनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष हम सम्मान पर्व के रूप में मनाते हैं, संकल्पवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, अपने वर्ग के कल्याण के लिए सत प्रेरणाएं ग्रहण करते हैं। मैं आज अपने इस मंच पर बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं चेतनापुंज आदरणीय संतोष कुमार रुमटा जी को, वे आकर इस मंच को कृतार्थ करें। आपका हार्दिक स्वागत है सर, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है आदरणीय संतोष कुमार रुमटा जी। कुसुमलता मलिक, अध्यक्ष राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, देश भर से जुड़े आप सभी बहन भाइयों का इस द्वितीय ऑनलाइन सम्मान पर्व आयोजन के सुअवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, COVID-19 ने हमें विवश और बाधित कर रखा है, अन्यथा तो हम अपने दिल के सब अरमान आमने सामने मिलकर एक दूसरे से बोल बतिया कर निकालते हैं। हमारे इस छोटे से विश्व में यह पहला ऐसा खतरनाक वायरस उत्पन्न हुआ है जिसने इंसान को इंसान के लिए अछूत बना दिया है, अस्पृश्य बना दिया है। एक तरह से कहूं तो विडंबना देखिए कि वायरस ही बना दिया है। मनुष्य की यह वायरस हो जाने की अथाह पीड़ा अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। सभ्यताओं और संस्कृतियों के उद्भावक, पालक, संरक्षक मनुष्य को जहां उसी की मानव जाति के प्राणियों द्वारा वायरस की तरह देखा जाने लगे, वायरस की तरह समझा जाने लगे, जहां उसके कमाए सब रिश्ते, समस्त संबंध एक नाचीज, एक तुच्छ वायरस के समक्ष चकनाचूर हो जाए, समाप्त प्राय हो जाए। सोचो, मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं के लिए यह कितना भयावह, कितना बड़ा आघात एवं संकट है। क्या है यह? क्यों है यह? कैसे बढ़ रहा है यह दिन प्रतिदिन? क्यों मनुष्यता के सिर चढ़कर मृत्यु का तांडव कर रहा है यह वायरस? राजनीति, कूटनीति, छल नीति, बल नीति, धर्म नीति, विज्ञान नीति, अर्थ नीति, दाम दास्ता, काम दास्ता, विश्व भर की विद्रूप व्यवस्थाओं के आधार में रीढ़ स्वरूप सन्निहित सत्ता और जनता के संबंधों के समीकरणों को एक बार पुनः
उलटने पलटने तोड़ने मरोड़ने परिभाषित करने की सख्त आवश्यकता आन पड़ी है। आज समय मनुष्य की मनीषा की परीक्षा कर रहा है और इसका निर्णय भी यह समय ही करेगा कि मनुपुत्र मनुष्य कैसे रचता है अपना भविष्य। हमारे देश में हमारे अपने दृष्टिबाधित समाज का यह सौभाग्य है कि इस विशद विपत्ति काल में, इस भाव सत्ता की दुर्गति काल में भी हमें सुरक्षित करने रखने और यदि दुर्दैव से हम इस वायरस का शिकार हो गए हो तो हमारा समुचित उपचार करने करवाने के लिए हमारे समाज के संरक्षक के रूप में श्रद्धेय रोंगटा साहब वर्तमान है, जिनकी पहल पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के माध्यम से अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक लगभग 10,000 दृष्टि बाधित बहन भाइयों की आर्थिक मदद की जा चुकी है। और हमारे लिए यह भी गौरव की बात है कि हमारे बीच से आगे बढ़कर आप में से बहुत से लोगों ने भी पिछले वर्ष और इस वर्ष भी अपने संगठन को कुछ ना कुछ धन बल प्रदान किया है। आपका संगठन इसी तरह से आप सब के सहयोग से, आप सब की सक्रियता से रोंगटा साहब के नेतृत्व में सशक्त और सक्रिय बना रहे, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। साथियों, रोंगटा साहब का यह 68वां जन्मदिवस है। आज रोंगटा साहब 67 वर्ष के हो चुके हैं। हमारे समाज के सम्मान पर्व का, जन्मोत्सव आयोजन का यह 18वां वर्ष है। सन 2004 में हमारे समाज ने रोंगटा साहब का यह जन्मदिवस सम्मान पर्व के रूप में मनाना प्रारंभ किया था। समाज द्वारा मनाया जाने वाला यह सम्मान पर्व आज बालिग हो चुका है, 18 वर्ष का हो चुका है। हमारे संगठन के आयोजन कैलेंडर में हमारा यह सम्मान पर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में अंकित है, क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हम सभी के जीवन में किसी ना किसी प्रकार की रचनात्मक सकारात्मक मौजूदगी निश्चित रूप से है। और रोंगटा साहब का तो कहना ही क्या, उनके योगदान के बिना तो हमारा समाज अपनी पहचान ही प्राप्त नहीं कर सकता है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और यही अंदाज व्यक्ति को विशेष बना देता है। आज के महोत्सव को समस्त राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ परिवार के इतिहास में अपनी कर्मठता, अपनी निष्ठा, अपने समर्पण, अपनी सेवा सद्भावना से विशेष बनाने वाले श्रद्धेय रोंगटा साहब ने समाज के लिए जो कुछ किया है उसका प्रतिदान तो हो ही नहीं सकता, किंतु उनके समाज ने उन्हें भरपूर विश्वास दिया है, अगाध प्रेम दिया है। उसी प्रेमावेश से हम शंख ध्वनि के साथ इस आयोजन का प्रारंभ करते हैं। हमारे वरिष्ठ साथी भाई महिपाल सिंह शंख ध्वनि करके कार्यक्रम का आगाज करेंगे।
विपत्ति के समय में भी महान पुरुष कभी उदास या निराश नहीं होते हैं, बल्कि वे तो अपने समाज को मार्ग दिखाते चलते हैं, अपने समाज के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते जाते हैं जो ईश्वरीय प्रेरणा से ही उन्हें प्राप्त होते हैं। ऐसे विपत काल में भी रोंगटा साहब ने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की और शक्ति प्राप्त की कि वे अपने समाज का अविचल भाव से निरंतर संरक्षण करते रहें, और उन्होंने इस संरक्षण के दायित्व को बखूबी निभाया है। अब इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए हम सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, जिस विद्यादायिनी, जिस शक्ति प्रदा माँ से हमें निर्मल बुद्धि, कर्तव्य परायणता और संकटों के बीच संकटों को पार कर जाने की क्षमता प्राप्त होती है। आइए हम निर्मल मन होकर माँ सरस्वती की वंदना में दत्त चित्त होते हैं। इस कार्यक्रम के लिए तैयार की गई सरस्वती वंदना कानपुर अंध विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा। अध्यक्ष महोदया, हम सभी के लिए प्रेरणाओं के स्रोत चेतनापुंज
राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव आदरणीय श्रीमान संतोष कुमार रुंटा जी, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, संघ की शाखाओं के सभी प्रमुख मित्र एवं संघ के सभी सदस्य तथा संपूर्ण दृष्टिबाधित समाज के कोने कोने से उपस्थित सभी मित्र, मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उत्तम शुभ संकल्प देखकर है कृतज्ञ हम सबका तन मन, ये उत्तम संकल्प देखकर है कृतज्ञ हम सबका तन मन, रोम रोम से श्रद्धा बहती मन से निकल रहा अभिनंदन, रोम रोम से श्रद्धा बहती मन से निकल रहा अभिनंदन। सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्न उठता है, किसका स्वागत है? क्या कुछ लोगों की वाचिक उपस्थिति का स्वागत है? नहीं। आप सभी के मन में उठे उन उत्तम संकल्पों का स्वागत है जिन्होंने समाज कल्याण के लिए, वर्ग कल्याण के लिए आपको प्रेरित किया, आपको तत्पर किया कि चेतना पुंज आदरणीय रुंटा जी के नेतृत्व में हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार हों, अपने साझे प्रयत्न से अपने वर्ग का, अपने समाज का विकास सुनिश्चित करें। उन उत्तम संकल्पों का स्वागत है, उन उत्तम भावनाओं का स्वागत है, उस उत्तम चिंतन का स्वागत है जो आपके मन में उत्पन्न हुआ और जिसने आपको संघ का महत्वपूर्ण साझीदार बनने के लिए प्रेरित किया, अपने वर्ग कल्याण का महत्वपूर्ण साझीदार बनने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार के कार्यक्रमों में तन से, मन से, चिंतन से, भाव से, कर्म से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित किया। ये पर्व किसी एक दिन का पर्व नहीं है, वार्षिक पर्व भी नहीं है, बल्कि ये पर्व तो आप सभी के उत्साह वर्धन की एक तैयारी है कि आप सभी दुगने तिगुने चौगुने उत्साह के साथ समाज कल्याण के इस महत्वपूर्ण कार्य में जुड़े। सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उन कार्यों का होता है जो समाज कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। व्यक्ति हमारे भाषणों से, हमारी अभिव्यक्ति से सम्मानित नहीं होता। महापुरुष तो निरंतर अपने कार्यों से सम्मानित होते रहते हैं, उनके कार्य जनता के हृदय में सम्मान की छाप अंकित करते हैं। सिद्धांतों का व्यवहार रूप जो अंश मात्र भी दिखा गया वह स्वर्ण अक्षरों में जनता के हृदय पटल पर लिखा गया। आदरणीय रुंटा जी उन्हीं चेतना पुंज महापुरुषों में से एक है। जब तक दृष्टिबाधित समाज के विकास की गाथा गाई जाएगी, उनके प्रयत्न, उनके कार्य हम सभी के मानस पटल पर अंकित रहेंगे। वे तो अपने कार्यों से सम्मानित हैं। अब ये सम्मान समारोह तो उन प्रेरणाओं के द्वारा अपने उद्देश्यों को मजबूत करने का एक माध्यम है, क्योंकि जन नेता उसकी व्यापक परंपरा, उसका व्यापक अनुकरण ही उसे अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाता है। एक जन नेता तभी सफल है जब वो अपने पीछे संघर्ष की एक व्यापक परंपरा छोड़ जाए। उस परंपरा को आत्मसात करना है, उस परंपरा के माध्यम से वर्ग कल्याण के हित को सफल करना है, यही हम सबका उद्देश्य है, यही हम सबका संकल्प है। आदरणीय रुंटा जी ने सहयोग, सम्मान, संघर्ष एवं सद्भाव का मार्ग जो हम सभी को दिखाया है, उस पर चलकर हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करना है और समाज में बराबरी का सम्मान प्राप्त करना है। कोरोना की इस महान विभीषिका में हम सभी एक दूसरे के दुख में साझीदार हैं। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति जब
अपने आसपास के लोगों का हालचाल लेता है, उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है, अपने सामर्थ्य से प्रयत्न करता है, तो वास्तव में वो चेतनापुंज आदरणीय रुमटा जी के कार्य को मन से आगे बढ़ा रहा है, चिंतन से आगे बढ़ा रहा है। आइए इस कठिन समय में हम अपने समाज के दुख के साझीदार बने, दुख से उबरने में अपने वर्ग अपने समाज की मदद करें, तन मन धन चिंतन से हर प्रकार से अपने समाज की मदद करें और आदरणीय रुमटा जी के महान कार्यों को आगे बढ़ाएं। आज उनके जन्म दिवस की तारीख है, उनका जन्म दिवस है, हर वर्ष हम संकल्प के रूप में, सद्भाव के रूप में, सामाजिक सौहार्द के रूप में इस दिवस को सम्मान दिवस के रूप में, सम्मान समारोह के रूप में मनाते हैं। मैं इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सम्मान समारोह को अपने चिंतन में आत्मसात करता हूँ कि हर दिन होता है जन्म दिवस, आते हैं जग में कोटि व्यक्ति, वास्तव में वही जन्मदिन है जिस दिन जन्मे लोकानुरक्ति, होकर कृतज्ञ संसार आपका नित्य मनाए जन्म दिवस, खुशियों की निधि को बार बार लेकर के आए जन्म दिवस। और आदरणीय रुमटा जी के द्वारा किए गए अपने समाज के लिए संघर्षों से हम प्रेरित होते हैं, उनके संघर्षों को आत्मसात करते हैं कि अधिकार स्थापित किए कानून और जुनून से, संघर्ष की गौरव कहानी लिखी हर पल खून से, वे दृष्टिबाधित वर्ग के हित के लिए कुछ यूं लड़े, जिनकी बदौलत हम खड़े सम्मान और सुकून से। आइए आदरणीय रुमटा जी के नेतृत्व में सहयोग, सम्मान, संघर्ष और सेवा के मार्ग को प्रशस्त करें, अपने वर्ग के सुख दुख के साझीदार बने, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्य बोध को स्थापित करें और अपने समाज की प्रगति में तन मन धन चिंतन से स्वयं को समर्पित करें। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रोंगटा साहब की स्थिति को यदि मनोज मुंतजिर, जो आज फिल्म इंडस्ट्री में अपना काफी नाम कमा चुके हैं, कविता के माध्यम से कहूं तो इस प्रकार होगी, जूते फटे पहनकर हम आकाश पर चढ़े थे, जूते फटे पहनकर हम आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम मैदान में निहत्थे खड़े थे, तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। बार बार दिल ये आए, तुम जी अपने
संदेशों के रूप में अपने प्रेम की थाती भेजी है। आप बांचते जाइए, एक एक करके जनता ने अनेकों पाती भेजी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से दीपिका वर्मा, कक्षा 8वीं की छात्रा, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अध्यक्षा डॉक्टर कुसुम लता मलिक मैम और माननीय महासचिव श्री रुंगटा सर को मेरा चरण स्पर्श। आज रुंगटा सर के जन्मदिन पर उन्हें अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहे, ईश्वर से मेरी यही कामना है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर गीत खुशी के गाते हैं, आप रहो खुशहाल सदा, शुभ कामना पुष्प लुटाते हैं। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर गीत खुशी के गाते हैं, आप रहो खुशहाल सदा, शुभ कामना पुष्प लुटाते हैं। महकी महकी चली पुरवाई बहारी, लेके खुशियाँ आई, जन्म दिवस के शुभ बेला में आपको देती ढेरों बधाई। महकी महकी चली पुरवाई बहारी, लेके खुशियाँ आई, जन्म दिवस के शुभ बेला में आपको देती ढेरों बधाई। सूरज चंदा किरण बिखेरे, सूरज चंदा किरण बिखेरे, तारे सिरज सजाते हैं, आप रहो खुशहाल सदा, शुभ कामना पुष्प लुटाते हैं। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर गीत खुशी के गाते हैं, आप रहो खुशहाल सदा, शुभ कामना पुष्प लुटाते हैं। फूलों जैसा मुख मुस्काए, जग की सारी खुशियाँ पाए, ईश्वर से हम करें प्रार्थना, जीवन में कोई दुख ना आए। फूलों जैसा मुख मुस्काए, जग की सारी खुशियाँ पाए, ईश्वर से हम करें प्रार्थना, जीवन में कोई दुख ना आए। औरों के हित में चलते जो, औरों के हित में चलते जो, सुख सदा वो पाते हैं, आप रहो खुशहाल सदा, शुभ कामना पुष्प लुटाते हैं। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर गीत खुशी के गाते हैं, आप रहो खुशहाल सदा, शुभ कामना पुष्प लुटाते हैं, शुभ कामना पुष्प लुटाते हैं, शुभ कामना पुष्प लुटाते हैं। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय रुंगटा सर तथा विभिन्न राज्यों से संगठन के महासचिव और अन्य सिपाहीगण जो आज के इस जन्मदिवस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आदरणीय रुंगटा सर को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत सभी युवाओं की ओर से बधाई देता हूं। और जो दौर चल रहा है, इस दौर में एकदम तत्पर होकर जिस तरह से सर ने कार्य किया है हमारे समाज के लिए, चाहे वह एग्जेम्पशन लागू करवाने का मुद्दा हो या फिर बाकी जिन जिन जगहों पे समस्याएं आई वैक्सीनेशन को लेके, जो जिस तरह से सर ने सर्कुलर निकलवाया उसमें प्राथमिकता दिलवाई, इलाज में प्राथमिकता दिलवाई, और व्यक्तिगत तौर पे भी सर ने बहुत मदद पहुँचाई है,
सभी लोगों को, तो सर को मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए बधाई देता हूँ आज के जन्मदिवस पर। और जैसा कि पिछले बार भी हम ऑनलाइन ही मना पाए थे सर का जन्मदिवस, और ये कोविड के कारण इस बार भी हम ऑनलाइन ही मना पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अवसर जल्द आए जब हम एक जगह पे उपस्थित होकर सर का जन्मदिवस मना सकें। अंत में बहुत कुछ ना बोलते हुए एक बार फिर से मैं सभी युवाओं की ओर से आदरणीय रूंगटा सर को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया जी और सर, मैं ऋषिका LBM स्कूल जम्मू से सर आपको आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। दुआ मिले बंदों से, खुशियाँ मिले जग से, साथ मिले अपनों से, रहमत मिले रब से, जिंदगी में आपको बेपनाह प्यार मिले, खुश रहे दुनिया में सबसे ज्यादा आप। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय महासचिव श्री रुंगटा जी के 68वें जन्मदिवस पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें निरंतर स्वस्थ रखे, चिरंजीवी बनाए, दीर्घायु बनाए। उन्हें हमारे समाज को अभी बहुत ज़रूरत है, जिनके पिछले 40 साल के दौरान संघ के माध्यम से जो सेवाएं प्राप्त हुई हैं, उनके द्वारा दृष्टिहीनों के स्वावलंबन, आर्थिक पुनर्वास, उनके अधिकारों के संरक्षण आदि कोई भी क्षेत्र नहीं है दृष्टिहीन बाधितों से संबंधित जिसमें उनका योगदान न रहा हो। उनके जैसा नेतृत्व अद्वितीय है। अभी तक तो न भूतो न भविष्यति ऐसा मुझे प्रतीत होता है, और पुनः मैं उनके दीर्घायु होने की, स्वस्थ होने की और इसी तरह सशक्त रहने की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। छत्तीसगढ़ से मैं ममता राठौर, आदरणीय मलिक मैम और रुंगटा सर को मैं प्रणाम करती हूँ, और सर के जन्मदिन पर मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। सर आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, और ईश्वर करे आपके जीवन यूं ही खुशियों से भरा रहे और आप दीर्घायु हों। अतः अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जीवन जिसका नंदन वन है, जीवन जिसका शीतल चंदन है, जीवन जिसका नंदन वन है, जीवन जिसका शीतल चंदन है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर शत शत अभिनंदन है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर शत शत अभिनंदन है। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव रुंगटा सर को उनके जन्मदिन पर बहुत सारी बधाई पूरे बिहार के दृष्टिबाधित समाज की ओर से और उनके परिवार की ओर से। मैं डॉक्टर विनय कुमार, अशोक और बुद्ध की भूमि बिहार की राजधानी पटना, जो अति तपाबनी गंगा के तट पर बसा है, वहाँ से बोल रहा हूँ। रुंगटा सर ने दृष्टिबाधितों के हर समस्या का निराकरण करने का निरंतर प्रयास किया है। जब भी दृष्टिबाधित समाज के पास कोई भी समस्या आती है, चाहे वो घर का हो, समाज का हो या सरकार का हो, हर व्यक्ति सर की ओर ही देखता है। एकमात्र केंद्र बिंदु सर हैं, और उनके यहाँ से कभी कोई निराश नहीं लौटता जब तक बहुत ऐसी कोई स्थिति नहीं हो तब। और निरंतर जिस प्रकार से सर सभी की समस्याओं को सुनते हैं, वो अमेजिंग है, अकल्पनीय है और बहुत कठिन है। कोई भी सरकार हर विभाग के लिए अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त करता है, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव सर अकेले संपूर्ण दृष्टिबाधित के समों के समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करते हैं और करते हैं, चाहे वो बिहार का हो, कश्मीर का हो, बंगाल का हो या देश के किसी भी राज्य का हो। ऐसे नेतृत्व पर हम सबको हमेशा गर्व है, और मैं सर को
इस जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सब मिलकर सर का बर्थडे मनाते हैं, ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है। सर के बारे में जितना भी कहा जाए, शब्दों की कमी है, बातों की कमी है, जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम है। बस मैं यही कह सकता हूँ कि केवल निस्वार्थ और निरंतर दृष्टिबाधितों की समस्याओं के लिए सर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना गुस्सा हुए, बिना तनाव में आए, अपने परिवार से भी अधिक अपने समाज के लिए सोचते हैं। सर को मैं पूरे बिहार की दृष्टिबाधितों की ओर से और पूरे दृष्टिबाधित समाज के परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ से मैं कामना पाठक, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अध्यक्षा डॉक्टर कुसुम लता मलिक मैम, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव आदरणीय एस के रुंगटा सर तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए देश के कोने कोने से सम्माननीय सदस्यगण, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव सर का जन्मदिन है, तो सर्वप्रथम मैं उन्हें उनके जन्मदिन की अनंत अनंत बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ तथा ईश्वर से कामना करती हूँ कि वे स्वस्थ, तंदुरुस्त और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और साथ ही उम्र दराज हों। सर के विषय में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को किसी भी प्रकार के शब्द में नहीं पिरोया जा सकता। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सर की शख्सियत बेजोड़ और अद्वितीय है, उनके जैसा ना कभी कोई था और ना कोई है और ना कभी कोई होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज आपके जन्म दिवस पर मन के कुछ उद्गार लिए देती हूँ मैं आज बधाई भाव पुष्प के हार लिए। जीवन खुशियों से भरा रहे, जीवन खुशियों से भरा रहे, उन्नत यश कीर्ति अपार लिए, देती हूँ मैं आज बधाई भाव पुष्प के हार लिए। अंत में विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। आदरणीय संघ की अध्यक्षा, हम सबकी वंदनीया प्रोफेसर मलिक मैडम, प्रातः स्मरणीय हम सबके अभिभावक, माननीय महासचिव महोदय, आज बेहद ही हर्ष का दिन है। आज ही के दिन आपका जन्म हुआ। आपके इस 68वें जन्म दिवस पर मैं परमानंद द्विवेदी आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए रखे तथा आरोग्यता दे, ताकि आप हमारी सुरक्षा और भी मजबूती से करते रहें। आपने जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में हम सब की रक्षा की है, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अभिभावक ही ऐसा कर सकते हैं, जिसकी भूमिका आपने अच्छी तरह से निभाई है। आप खुद परेशान रहे, लेकिन हम सब की परेशानियों को आपने दूर करने में अपना अधिकतम समय लगाया, इसके लिए आपके प्रति बारंबार आभार। आपने कभी भी अपने कार्यों के माध्यम से यह नहीं दर्शाया कि कौन संघ का सदस्य है, कौन नहीं है, कौन आपको मानने वाला है, कौन आपकी निंदा करने वाला है। सबके लिए संभाव से आपने कार्य किया है। समस्त दृष्टिबाधित समाज इस कार्य के लिए ऋणी रहेगा। इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से आपने सभी को बचाया है, वह बहुत ही अभूतपूर्व है। अगर ऐसा न होता तो और भी हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन हमें छोड़कर जाते, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपने बहुत ही कुशलतापूर्वक हमारी रक्षा की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति आभार। एक बार जन्म दिवस के अवसर पर पुनः हार्दिक बधाइयां, धन्यवाद। मैं तानिया मेहरा, जम्मू ब्लाइंड स्कूल की तरफ से यहाँ उपस्थित माननीय रोंगटा सर, माननीय अध्यक्ष महोदया मलिक मैम और यहाँ उपस्थित NFB के सभी सदस्य गण का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और
आज मैं रोंगटा सर के जन्म दिवस पर जम्मू ब्लाइंड स्कूल की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से कामना करती हूं कि रोंगटा सर का आशीर्वाद हमारे सर पर सदैव रहे। धन्यवाद। माननीय संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रोफेसर मलिक मैम, देश भर से उपस्थित साथियों, मैं रमेश सिंह पटना से इस सम्मान पर्व पर और माननीय रोंगटा साहब के 68वें जन्म दिवस पर उन्हें पूरे बिहार के दृष्टिबाधित समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सर दीर्घायु हों और जिस प्रकार से पिछले 40-50 वर्षों में रोंगटा साहब ने दृष्टिबाधित समाज में जो मकाम हासिल किया है, जो सम्मान दिया है, जो मान दिया है, वो हम सब के लिए एक वरदान है और मैं ईश्वर से पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि सर इसी तरह से हम सब की से कार्य करते रहें और जिस प्रकार से कोविड में सर की जो कृपा रही है पूरे देश भर के दृष्टिबाधित या दिव्यांग साथियों के लिए, वो एक मिसाल है। एक बार पुनः माननीय रोंगटा साहब को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैंने भी बंगाल की तरफ से मैं कुमार शर्मा आदरणीय रोंगटा सर को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आदरणीय रोंगटा सर हमारे पिता को शुरू से अभिभावक के रूप में कार्य किया है उन्होंने और हमेशा गुरुओं की रक्षा के लिए, उनकी हितों की सुरक्षा के लिए कार्य किया है। आज भी रोंगटा साहब इस विभीषिका में महामारी में भी साथ खड़े हैं। उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और पूरा बंगाल आप के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैं बिहार से भी बिलोंग करता हूँ, इसलिए पूरा बिहार आपके साथ हमेशा रहेगा और आप ही हमारे नेता हैं। हम चाहेंगे कि आदरणीय पिता तुल्य रोंगटा साहब यूँ ही कार्य करते रहे और हम सब उनके साथ हमेशा उनके कार्यों में समृद्ध रहे, संगठन में समृद्ध रहे। जैसे भी आवश्यकता पड़े हम सहयोग करें। धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव रोंगटा सर एवं आज के रोंगटा सर के जन्मदिन के सम्मान समारोह के आए हुए सभी व्यक्तियों को मेरा अथायोचित अभिवादन। आदरणीय रोंगटा सर, उनके कार्य की बात करना तो संभवित ही नहीं है, क्यों के उसमें वक्त का बंधन हमें बांध लेता है। उन्होंने हमारे साथ जो कार्य किए हैं, हमारे लिए जो कार्य किए हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं। मैं केवल दो बातें कहूँगी। एक, रोंगटा सर की एक इच्छा थी कि राष्ट्रीय दृष्टि संघ में बहनों को लाना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उनके लिए वो एक उचित व्यक्ति को ढूंढते थे जो उन्हें 2014 में आदरणीय कुसुमलता प्रोफेसर के रूप में मिली और उन्होंने जब से उपाध्यक्ष का पद संभाला उसके बाद अपनी कार्य शैली से, अपनी कार्य शक्ति से और महिला सम्मान की भावना से वो कार्य कर दिखाया कि वो आज सर ने जो हम महिलाओं के लिए कार्य किए हैं वो सभी संघ से ऊपर है और सब व्यक्तित्व से ऊपर है। उन्होंने जो हमें अपना मौका दिया है शक्ति दिखाने का, वही आज बता रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टि संघ पे हर पद पे महिला आसीन है और हमारी उपाध्यक्षा वो सबकी एक प्रतीक है। आज सर ने जिन जिन महिलाओं के लिए कार्य किया, राष्ट्रीय समाज के लिए कार्य किया, दृष्टिहीन संघ को आगे लाने के लिए जो कष्ट सह के दृष्टिहीन समाज को सम्मान दिया, आदर दिया और सभी बेरोजगार भाइयों को रोजगारी देकर हमारे लिए जो अपने जीवन का प्रदान किया, उसके लिए मैं उनसे, उनके परिवार की ऋणी हूँ और सर को उनके जन्मदिन के लिए
छोड़ेंगे और न कभी आपको निराश होने देंगे। महिला शक्ति, दृष्टिहीन व्यक्ति की शक्ति और एक महासचिव होने के नाते पूरे गुजरात के प्रति मैं आपसे कटिबद्ध हूँ और आपको वचन देती हूँ कि हम आपके साथ हैं और हमारा संघ एक और ऊंचाई पे लाने में हम हर वक्त प्रयत्नशील रहेंगे। फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर मलिक मैम, माननीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय श्री रुंगटा सर, आदरणीय हमारे संघ के सभी सदस्यगण, मैं एम के पड़ियाल अपने राज्य जम्मू कश्मीर के सभी साथियों सहित आप सबको व विशेष रूप से राष्ट्रीय महासचिव महोदय जी को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वह सदैव स्वस्थ रहें और जिस ऊर्जा व शक्ति के साथ हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें ईश्वर उन्हें निरंतर बल प्रदान करता रहे। साथियों, हमारी चाह थी कि राष्ट्रीय महासचिव महोदय जी के जन्मदिवस को प्रत्यक्ष रूप से मनाया जाता, लेकिन इस कोरोना काल के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदया ने जिस तरह से इस कठिन समय में अपने प्रयासों के चलते जूम ऐप के माध्यम से आज हम सबको सूत्रबद्ध करके जो मंच प्रदान किया है, मैं उसके लिए अपनी ओर से उनका विशेष आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय महासचिव महोदय जी ने अपने जीवन में न केवल विभिन्न राज्यों में, न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिससे आज हमारा समाज सशक्त हुआ है और हम अपने अधिकारों के साथ बहुत गौरवमय ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं माननीय महासचिव महोदय जी को इस शुभ अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि आपके अथक प्रयासों के चलते और माननीय अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर कुसुम मलिक जी के कुशल निर्देशन में जो जम्मू कश्मीर में अपेक्षित परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं, वो अपने आप में सहर्ष अनुभव करवाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, हाल ही में हमारे जो कुछ बेरोजगार साथियों का सरकार के विभिन्न विभागों में चयन हुआ है, लगभग 10 से 12 हमारे दृष्टिबाधित साथी, उनका जेएनके बैंक और एसबीआई बैंक में सेवाएं जो हैं वो चयनित हुई हैं, ये हमारे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है। मान्यवर, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब से हमारे दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए जो स्कूल चलाया जा रहा है उस इमारत का निर्माण हुआ है, तब से लेके आज तक कभी भी उसका रिपेयर वर्क नहीं हुआ। हाल ही में हमने उस रिपेयर वर्क को प्रारंभ किया, आज सफलता के साथ उसका समापन हो चुका है और वही इमारत आज हमारे सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारे स्कूल में पढ़ रही दृष्टिबाधित 10th क्लास की बच्चियां, 12th क्लास की बच्चियों के जो एग्जाम हैं वो सफलतापूर्वक हो चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उनके परिणाम हम सबका उत्साहवर्धन करेंगे। मैं बहुत हर्षता के साथ ये बात भी बताना चाहता हूं कि जब से माननीय अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर मलिक मैम ने हमारे जम्मू कश्मीर में आकर बहुत से जो सेमिनार्स किए हैं, अलग अलग तरह की जो गोष्ठियां हुई हैं, उनके माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर में संघ के साथ जो महान शिक्षाविद, महान जो अर्थशास्त्री भी जो सम्मिलित हुए हैं, उनके कारण आज इस कठिन समय जो कोरोना काल चल रहा है, आर्थिक रूप से कोई कमी अनुभव नहीं हुई और समय समय पर उनका सहयोग हम सबको निरंतर मिल रहा है। और हमने विगत वर्ष की भांति माननीय महासचिव महोदय जी के जन्मदिवस पर जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारे भाई बंधु हैं, उनको सशक्त करने का जरूर प्रयास किया और इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के तहत जो सामग्री आवंटित की गई वो क्रम जो है वो इस बार भी हमने जारी रखा। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर जो कुछ भी कार्य हुए उसमें हमारे सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे वो हमारे संघ के सदस्य हों, चाहे हमारे स्कूल के जो कर्मचारी हैं, हमारी प्रिंसिपल मैडम हैं और उनके जो
अन्य कर्मचारी हैं, हमारे संघ के कार्यालय के जो अपने स्टाफ मेंबर्स हैं भाई तरुण जी आदि, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग जो है वो दिया है। मैं अपनी ओर से उनका भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर एक बार पुनः माननीय महासचिव महोदय जी को और आप सबको या हम सबको बहुत बहुत बधाई। हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि माननीय महासचिव महोदय जिस तरह से हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं उसमें निरंतर ईश्वर हमें हम सबको इनके कुशल निर्देशन में आगे बढ़ने का सुअवसर जो है वो प्रदान करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत है शहर में शीशे नहीं रहे, पत्थर बहुत है शहर में शीशे नहीं रहे, वैसे हैं दोस्त हमारे बहुतेरे, जैसे वे पहले थे अब वैसे नहीं रहे, दरिया उतर गया है मगर बह गए हैं पुल, दरिया उतर गया है मगर बह गए हैं पुल, उस पार आने जाने के रास्ते नहीं रहे, उस पार आने जाने के रास्ते नहीं रहे। प्रस्तुत है गुजरात की नन्ही सी गोपिका अवनी का नृत्य। तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर दूं, जाने जा याद तू जब आए नींद भी ले जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, ये जमीन रुक जाए, आसमान झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, क्या मोहब्बत है क्या नजारा है, कल तलक ये दिल था मेरा अब तुम्हारा है, क्या तमन्ना है क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है, हाँ देखो 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 अब करो ना हम पे यूं सितम, जान मेरी जा रही सनम, आके भर लो बाजुओं में तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम, मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है राहत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है राहत नहीं देती, देने वाले देते हैं हमें गालियां रात दिन, देने वाले देते हैं हमें गालियां रात दिन, गाली की मेरी तहजीब मुझे इजाजत नहीं देती, गाली की मेरी तहजीब मुझे इजाजत नहीं देती। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के हमारे युवा साथी भाई रविंद्र द्वारा गाई हुई गजल।
मेरा सिर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सिर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जरा सोचो तुम्हारे बदलने से बदला क्या कोई मंजर, जरा सोचो तुम्हारे बदलने से बदला क्या कोई मंजर। हमारा रुख बदल जाए तो फिर हवा का रुख क्या होगा, हमारा रुख बदल जाए तो फिर हवा का रुख क्या होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, प्रोफेसर मलिक मैम, आदरणीय महासचिव महोदय रुंगटा सर, मैं अनमोल कुमार जम्मू से आपको प्रणाम करता हूं और आपके जन्मदिवस के अवसर पर एक गीत पेश करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। Thank you.
मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। वाह 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 के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरे असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। केसरी रहे, तेरी आंख खड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। Through your thoughtful leadership, great vision and sincerity, you have had a positive impact on every aspect of our community. Happy birthday and happy returns. Honorable President of NFB, Dr. Kusumlata Malik Ma'am, the most respected General Secretary of NFB, SK Rongta Sir, welcome to each and everyone who ever been connected with us. Today, on 17th May 2021, we are glad to gather here for the 68th birthday celebration of the most respected SK Rongta Sir. Sir, you are the greatest leader for whole of the our blind society. You always did effortless
historic, countless and speechless work for our society. Integrity of your journey dedicated more than 40 years of your precious life. In times of great misery, you saved many lives of disabled people from every part of country. We are really grateful for all of your support, availability and help, as we all are aware very well. Leaders like you are few and far between. Hence, I wish you longevity and prosperity. Once again, many, many happy birthday from all of our sides. Keep safe and healthy life, as we all wish for you, sir. Thanks to you. Thanks to everyone. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मानव हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें रुमटा जी के लिए प्यार नहीं। आदरणीय महामहिम देवदूत दृष्टिहीन समाज के पथ प्रदर्शक, पिता तुल्य, भ्रातृतुल्य एसके रुमटा सर, महासचिव के जी के 68वें जन्म दिवस पर मेरी ओर से कोटि कोटि बधाइयां। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे रुमटा साहब हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहें और जीवन में इसी तरह से उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। एक बार पुनः कोटि कोटि शुभकामनाएं, 68वें जन्मदिन मुबारक। आदरणीय संघ की अध्यक्षा मलिक मैडम एवं देश भर के सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रिंकू पटना से इस महापर्व संघ के महासचिव रोंगटा सर के 68वें जन्मदिन पर मैं सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि लंबी आयु हो और हमेशा सफलता मिले और सभी दृष्टिबाधित साथियों के कल्याण हेतु सर हमेशा एक स्तंभ के रूप में खड़े रहे हैं और सभी को सर का सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो मैं भगवान से कामना करती हूँ कि सर को हर काम में सफलता मिलती रहे और सर को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय गणों को मेरा यथायोग्य नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की ममतामयी राष्ट्रीय अध्यक्षा महोदया डॉक्टर मलिक मैडम को सादर नमस्कार एवं आज के जिनका जन्मदिन है आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय संतोष कुमार रुंगटा साहब को मेरा सादर नमस्कार। आज जन्मदिन के इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय दृष्टिहीन समाज के युग पुरुष एवं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सबसे ग्राह्य नेता, दृष्टिहीन समाज के ग्राह्य नेता, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र दृष्टिबाधित वरिष्ठ अधिवक्ता को मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय रुंगटा सर जिस तरह से दृष्टिबाधित समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी इस सेवा के बदले ईश्वर उनको उचित परितोषिक प्रदान करे एवं लंबे समय तक उन्हें दृष्टिबाधित समाज की सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। मैं हर बार सर के जन्मदिन पर सन 2005 से जब से दृष्टिहीन संघ से जुड़ा हुआ हूँ सर के बर्थडे के कार्यक्रम में स्वयं एवं परिवार सहित उपस्थित होते रहा हूँ, यह मेरा सौभाग्य रहा है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण इस
वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सर को मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का अवसर हो रहा है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले वर्ष जब सर का जन्मदिन आएगा तब बड़े धूमधाम से सर का जन्मदिन हम सब पूरा दृष्टिबाधित समाज मनाएगा। इस प्रकार मैं आदरणीय रुंगटा सर को पुनः एक बार बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, हैप्पी बर्थडे सर। नमस्कार। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, एंजॉय योर डे, मे गॉड ब्लेस यू। और आज हम सभी जानते हैं इस कोरोना काल में कितनी भयावह परिस्थितियां चल रही हैं, इसलिए हम सभी ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आपके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे, विश यू मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, विश यू हैप्पी बर्थडे सर। बार बार दिनिए आए, बार बार दिलिए गाए, बार बार दिनिए आए, बार बार दिलिए गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। संघ की तरफ से एवं मध्य प्रदेश के समस्त दृष्टिहीनों के तरफ से राष्ट्रीय महासचिव के 68वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देता हूं। उनका 68वां जन्मदिन मंगलमय हो। और मैं चाहता हूं कि ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव दिन दूनी रात चौगुनी हो और वो दिन प्रतिदिन तक दृष्टिहीनों के प्रति इसी तरह का कार्य करते रहें और दृष्टिहीनों को मार्गदर्शन करते हुए दृष्टिहीनों का उद्धार करते रहें। भाई संतोष रोंगटा जी के जन्मदिन 68वें जन्मदिन पर सारी ढेर बधाइयां मैं प्रेषित करता हूं मध्य प्रदेश के तरफ से। और ईश्वर से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दृष्टिहीनों के प्रति
इसी तरह कार्य करने में कर्मठता उनकी बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ। छत्तीसगढ़ से मेरा नाम योगिता टंडन है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अध्यक्षा माननीय कुसुम लता मलिक मैम को चरण स्पर्श। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव सर रुंगटा सर को मेरा सादर प्रणाम। माननीय रुंगटा सर को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय रुंगटा सर के जन्म दिवस के अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूं। जन्मदिन है आज आपका, करे बधाई को स्वीकार। हमें मिठाई अभी चाहिए, ये तो अपना है अधिकार। जुग जुग जिए हमारे अग्रज, ईश्वर से करते मनुहार। सदा लुटाते रहे सभी पर अपना नीचा लाड दुलार। पूछा उसने तो बतलाया, अमर हुई अब 63 साल। किंतु अभी भी युवा हृदय से देखो इनके रत्तिम गाल। खेतों में है फसल उगाते, कागज पर लिखते हैं गीत। जनसेवा भी करते रहते, निभा रहे जनता के प्रीत। धीरज की तो बात न पूछो, अपना नाम करे साकार। पल भर में अपना कर लेते, ऐसा इनका सदव्यवहार। यही कामना हम करते हैं, आप सदा रहिए खुशहाल। रहे सफलता कदम चूमती, तन मन धन से माला माल। यही कामना हम करते हैं, आप सदा रहिए खुशहाल। रहे सफलता कदम चूमती, तन मन धन से माला माल। अच्छे अच्छे गुण भरे और खूब कराई हमें पढ़ाई। अच्छे अच्छे गुण भरे और खूब कराई हमें पढ़ाई। सर आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्षा महोदया, आदरणीय महासचिव महोदय, राष्ट्रीय पदाधिकारी गण तथा ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी सदस्य गण, आज हमारे लिए बहुत ही फक्र का दिन है कि हम अपने महासचिव महोदय का जन्मदिन मना रहे हैं। आज का अवसर, इस अवसर का हमको हमेशा इंतज़ार रहता है और साल भर में एक पर्व की तरह हम इसको लेते हैं। होली दिवाली जिस तरह से होती है, उसी तरह से हम इसको भी मनाते हैं और बहुत अपने आप को आह्लादित महसूस करते हैं। महासचिव महोदय दृष्टिबाधित जगत के लिए एक मसीहा की तरह हैं और इन्होंने दृष्टिबाधितों के उत्थान के लिए उसी तरह कार्य किया है जिस तरह से अंबेडकर ने दलितों, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए और लोगों ने समाज के लिए काम किए हैं। उसी तरह से महासचिव महोदय ने भी दिन रात अथक परिश्रम करके दृष्टिबाधितों का उत्थान किया है हर क्षेत्र में। मैं अपनी बात को चंद पंक्तियों में निवेदित करता हूं महासचिव महोदय के सम्मान में। आओ यशगान करें, आओ यशगान करें, रुंगटा जी का सम्मान करें, रुंगटा जी का सम्मान करें। बधाई हो जन्म दिवस की, बधाई हो जन्म दिवस की। प्रभु आपके पूर्ण काम करें, प्रभु पूर्ण आपके काम करें। आओ यशगान करें, मंगल जीवन रहे आपका, मंगल जीवन रहे आपका। स्वास्थ्य में कोई कमी ना हो, मंगल जीवन रहे आपका। स्वास्थ्य में कोई कमी ना हो, हमें सहारा मिले आपका। आपका स्नेह में कोई कमी ना हो, स्नेह में कोई कमी ना हो। अगर आप जग में ना आते, अगर आप जग में ना आते, हम अपना सम्मान न पाते, हम अपना सम्मान न पाते। धन्य कर दिया जग में आना,
धन्य कर दिया जग में आना, हम यह उपकार भूल न पाते, हम यह उपकार भूल न पाते। संपूर्ण धरा पर दृष्टिहीन रुंगटा जी का जयगान करें। मध्य प्रदेश शाखा भोपाल महिला उपाध्यक्ष, सभी को मेरा सादर प्रणाम, रोंगटा सर को मेरा सादर प्रणाम, रोंगटा सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की ओर से। ये महामहिम देवतुल्य दृष्टिहीन की मसीहा श्री रोंगटा साहब का 68वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। महोदय, आपका जन्म इस समाज के लिए, एक मसीहा के रूप में, महापुरुष के रूप में दृष्टिहीन समाज को वरदान सिद्ध हुआ है। उस माँ को बार बार धन्यवाद जिस माँ ने आपको जन्म दिया इस समाज का उत्थान करने के लिए। पुनः आपको 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। संतोष कुमार जैन, दिल्ली, आरजीपुरम। कहते हैं ताकत आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। मैं कविता सीतामढ़ी से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और माननीय एसके रोंगटा सर को उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर ढेरों सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं अमरावती महाराष्ट्र से शाकिर नायक, आज 17 मई 2021 आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव रोंगटा सर का जन्मदिन। इस जन्मदिन को हम सम्मान दिन के रूप में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय कुसुमलता मलिक मैडम तथा संघ के सभी पदाधिकारी। मैं अमरावती महाराष्ट्र के सभी दृष्टिबाधित समाज की ओर से सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसी तरह सर दृष्टिबाधित समाज के लिए कार्य करते रहे और उन्हें कार्य करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। आपकी नायतें आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। आपकी नायतें आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। क्या हसीन ख्वाब नजर में संवर गए, हर कदम पे जैसे उजाले बिखर गए। क्या हसीन ख्वाब नजर में संवर गए, हर कदम पे जैसे उजाले बिखर गए। आपकी नायतें आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से उत्तम की ओर से आप सभी का नमस्कार। आज के समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अध्यक्षा आदरणीय प्रोफेसर मलिक मैम को मेरा प्रणाम। श्रद्धेय रोंगटा साहब को सादर चरण स्पर्श। आज सर का जन्मदिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के
तमाम साथियों की ओर से मैं चंद लाइनों में बधाई प्रेषित करता हूँ। वो फूल है आप जिसकी हम जीवन में खुशबू लेते हैं, वो फूल है आप जिसकी हम जीवन में खुशबू लेते हैं। जन्म दिवस है आज आपका, हम आपको बधाई देते हैं, हम आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। छत्तीसगढ़ से मैं रोशनी भारती, कक्षा 7 की छात्रा, आप सभी को सादर वंदन करती हूँ। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अध्यक्षा डॉक्टर कुसुम लता मलिक मैम और माननीय महासचिव श्री रुंगटा सर को चरण वंदन। आज के इस शुभ अवसर पर रुंगटा सर को जन्मदिन की अनंत अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर करें सर स्वस्थ और दीर्घ आयु हो। आज के इस शुभ अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता प्रेषित कर रही हूँ। खुशियाँ रहें जीवन में सदा, गम ना कोई भी आए, इसी दुआ के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं। देने वाला आपको खुशियाँ मेरे हिस्से के भी दे, देने वाला आपको खुशियाँ मेरे हिस्से के भी दे, हमारी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। आज आपके जन्मदिन पर भेजा है प्यार, आज आपके जन्मदिन पर भेजा है प्यार, जीवन में आगे बढ़ो खुशियाँ मिले अपार। सूरज चांद सितारे जैसे रहना तुम आबाद, हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की मुबारकबाद। धन्यवाद। श्रद्धे रुंगटा सर, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा मलिक मैम, आज हम सबों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज युग परिवर्तक, समाज सुधारक चेतनापुंज आदरणीय रुंगटा साहब का जन्मदिवस है। मैं रोहित सर को हृदय की गहराइयों से जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, सर आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और समाज में जो कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं आप उसे अपने प्रयासों से पूरा कराने का प्रयास करते रहें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक बात है जिसका जिक्र करना चाहूँगा। आज हम सब लोग इस वैश्विक महामारी के दौर में जी रहे हैं, जहाँ पे एक एक मिनट सांस ले पाना बड़ा मुश्किल है। हमेशा मन में ये डर बना रहता है यह कोरोना कब हमारे किसी साथियों को छू जाए और उसके जीवन लीला समाप्त कर जाए। किंतु आपने सर वास्तव में जीवन देने का काम किया है, चाहे ऑक्सीजन बेड्स मुहैया कराकर, चाहे हमारे बेरोजगार साथियों तक राशन पहुंचाकर, चाहे हमारे छात्र साथियों को परीक्षा से कुछ दिन के लिए एग्जम्प्ट कराकर, आप वास्तव में सर समाज सुधारक हैं और आपके लिए जितना भी कहा जाए शायद बहुत कम होगा। अंत में मैं आपको पुनः एक बार जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वातावरण को देखते हुए कैफी आजमी साहब की एक नज्म का कुछ अंश इस प्रकार है, आप भी अनुभव करेंगे कि वातावरण से उसकी बहुत साम्यता है। ऐ सबा लौट के किस शहर से तू आती है, ऐ सबा लौट के किस शहर से तू आती है, तेरे हर झोंके से बारूद की बू आती है, खून कहाँ बहता है इंसान का पानी की तरह, खून कहाँ बहता है इंसान का पानी की तरह, जिससे तू रोज यहाँ करके वजू आती है, धज्जियां तूने नकाबों की गिनी तो होंगी, धज्जियां तूने नकाबों की गिनी तो होंगी, यूं ही लौट आती है या करके रफू आती है,
यूं ही लौट आती है या करके रफू आती है। अब आप आनंद उठाइए हमारी अध्यापिका कानपुर विद्यालय की डॉक्टर प्रतिभा द्वारा गाई हुई एक खूबसूरत गजल का। इस स्पेशल गीत के माध्यम से मेरी तरफ से रूना सर को बधाई। जो दिल से जुबान तक आई है।
हिमायत तो की बहुत, लेकिन आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, लेकिन कोई भी चिराग जलने नहीं दिया। राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी, राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी, सुलह पर कुछ दोस्तों ने हाथ मिलने नहीं दिया, कुछ दोस्तों ने हाथ मिलने नहीं दिया। प्रस्तुत है रोंगटा साहब के लिए कुछ और शुभ संदेश। एनएफबी जेएनके, आई एम रूबिक शर्मा, लेक्चर इंग्लिश, प्लस टू लेक्चर इंग्लिश, स्पीकिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर कठुआ। इस शुभ अवसर पर अपनी प्रस्तुति से पहले मैं बधाई दूंगा हमारे महासचिव एस के रोंगटा सर को उनके जन्मदिन पर। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन दृष्टिबाधित समाज को प्राप्त होता रहे। मैं प्रोफेसर कुसुम लता मलिक मैम को भी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अब मेरी प्रस्तुति एक विसल में है, जो कि लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग है। उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य पसंद आएगा। इंडिया के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह भंडारी, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय को प्रणाम, अध्यक्ष महोदया सहित सभी पदाधिकारियों को विशेष नमन। आज हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय जी का जन्म दिवस मना रहे हैं ऑनलाइन। परिस्थितियाँ विपरीत हैं, वैश्विक महामारी का असर है, इस कारण से विगत दो वर्षों से हम जन्म उत्सव ऑनलाइन मना रहे हैं। यद्यपि हर वर्ष
ऑफलाइन जन्मदिन मनाया जाता था उसका आनंद ही कुछ और होता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन जन्मदिन मना रहे हैं जोश और खरोश के साथ। और इस अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर, मैं आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे दीर्घ आयु हों और हम सबकी समस्याओं का समाधान जिस तरह से वे करते आए हैं, करते आ रहे हैं, निरंतर करते रहें और हम सब पर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय हमारे मसीहा हैं, हमें भगवान तुल्य हैं। जैसे हम अपने दुख को लेकर भगवान के पास जाते हैं और इसी तरह से हम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय के पास अपने दुख को लेकर जाते हैं और वे उसका तुरंत समाधान करते हैं। ऐसे पुरुष को मैं शत शत नमन करता हूँ। उत्तराखंड के समस्त दृष्टिबाधितों की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। मैं जन्म दिवस आयोजन समिति का भी आभार व्यक्त करता हूँ और अध्यक्षा महोदया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस शुभ अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। पुनः आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ, धन्यवाद, सादर नमस्कार। नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, माननीय अध्यक्ष मैडम प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी, महासचिव एस के रोंगटा जी, आज माननीय महासचिव एस के रोंगटा जी को मैं देवाचंद्र नेगी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, तमाम सदस्यों की तरफ से 68वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। माननीय महासचिव जी ने पिछले 45 वर्षों से जो दृष्टिहीन समाज के लिए कार्य किए हैं, वो इतने अधिक कार्य किए जिसका लाभ आज प्रत्येक दृष्टिहीन वर्ग ले रहा है, चाहे वो क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के कर्मचारी को लगाने में जो रोल निभाया है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं हिमाचल प्रदेश के सभी साथियों की ओर से माननीय महासचिव एस के रोंगटा जी को बहुत बहुत 68वें जन्मदिन के उपलक्ष पर बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल मेंबर NFB इंडिया, मैं निशा, वुमेन कोऑर्डिनेटर NFB हिमाचल ब्रांच। सर्वप्रथम श्री एस के रोंगटा सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, प्रोफेसर मलिक मैम को कोटि कोटि नमन, उनको अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से और अपनी पूरी NFB हिमाचल ब्रांच की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं इस कविता के माध्यम से प्रेषित करना चाहती हूँ। आज आपके इस जन्म दिवस पर मिले आपको कई उपहार, आज आपके इस जन्म दिवस पर मिले आपको कई उपहार, खुशियां आपकी दुगनी हो, ऐश्वर्य आपको मिले अपार, खुशियां आपकी दुगनी हो, ऐश्वर्य आपको मिले अपार, आने वाली हर घड़ियां लाए भविष्य सुनहरा, आने वाली हर घड़ियां लाए भविष्य सुनहरा, ना आए कोई बाधा जीवन में, ना मिले आपको दुख गहरा, ना आए कोई बाधा जीवन में, ना मिले आपको दुख गहरा। अपनी इस छोटी सी कविता के माध्यम से मैं अपने दिल की भावनाएं इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूं। यदि मेरी कही हुई कविता या शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड हिमाचल ब्रांच की तरफ से मैं मुकेश कुमार, माननीय महासचिव महोदय को मेरा प्रणाम, आदरणीय डॉक्टर कुसुमलता मैम को मेरा प्रणाम,
माननीय महासचिव महोदय जी को मेरा उनकी 68 जन्मदिवस पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी लंबी आयु हो और हिमाचल प्रदेश के सभी देवी देवताओं से आह्वान करता हूँ कि हमारे महासचिव महोदय की लंबी आयु हो, क्योंकि महासचिव महोदय ने अपने जीवन में 45 साल के काल में उन्होंने दृष्टिबाधित समाज की बहुत सेवा की। क्लास वन से ले क्लास फोर तक उन्होंने नौकरियां खुलवाई और जरूरतमंद दृष्टिबंधों की सहायता की। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ में जितना महासचिव महोदय का योगदान रहा उतना किसी का नहीं रहा, आज तक होगा ना आगे होगा। तो मैं महासचिव महोदय को जी को उनकी 68वें जन्मदिवस पर उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और हिमाचल प्रदेश के सभी दृष्टिबाधित साथियों की ओर से उनको उनकी तरफ ईश्वर से कामना करते हैं कि हम सब की उनकी लंबी आयु हो और सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से उनको बधाई जन्मदिवस की। धन्यवाद। नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, मैं सेप्ति चौहान हिमाचल प्रदेश से, माननीय प्रोफेसर कुसुमलता मैम जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, माननीय श्री एस के रोंगटा सर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं माननीय श्री एस के रोंगटा सर जी को जन्मदिन 68वें जन्मदिन की हार्दिक बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें हर दुख संकट से दूर रखे और उनकी लंबी उम्र करे और उन्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। एस के रोंगटा सर जी हमारे लिए फरिश्ता है, क्योंकि जो कुर्बानियाँ और जो कार्य उन्होंने हम सब दृष्टिहीनों के लिए किए हैं शायद आज तक ना ही तो किसी ने किए होंगे और ना ही कोई कर सक ना ही किसी में करने की हिम्मत है। मैं सर जी को दो लाइनें गाकर उन्हें फिर से जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मित्रों, संघ परिवार के लिए मैं महिपाल सिंह, भारतीय वायुसेना गाजियाबाद से, आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री संतोष कुमार रोंगटा जी का 68वां जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर मैं अपने अपने परिवार और समस्त दृष्टिहीन समाज एवं दिव्यांग समाज की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव के इस जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ आशीष देता हूं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं राहुल बिजवे अमरावती महाराष्ट्र से, आज दिनांक 17 मई श्री माननीय रोंगटा सर इनका जन्मदिन, मैं उनके जन्मदिन पर
उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी दीर्घ आयु की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अध्यक्षा प्रोफेसर मैडम कुसुमलता जी, सभा संचालक महोदय जी, अनंत मानवीय गुणों से अभिभूत राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव आदरणीय श्री रुंगटा सर, सर्वतः आगंतुक गण, भाइयों एवं बहनों, आज हम सब जन्म दिवस मनाने के लिए वैश्विक महामारी के दौर में उपस्थित। पहले मैं साहब को जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ मैं अपने परिजनों, मित्र मंडलियों एवं NFB बिहार के तमाम अधिकारी पदाधिकारी एवं सदस्य गण की ओर से प्रेषित करता हूँ। पुनः मैं बोलते हुए गर्वान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि ऐसे दिन में जन्म दिवस का एक बहाना बना करके सभी लोगों की सहायता, कम से कम जो आवश्यकतामंद व्यक्ति हैं ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए वे बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम उठाते हैं हर साल। मैं ऐसी कामना करूंगा कि इनका जन्म दिवस हमेशा धूमधाम से मनाया जाता रहे और कभी भी ये बुजुर्ग न हो, ताकि निश्चित रूप से इनके मनोबल में कमी न हो और हमेशा हमेशा के लिए आवश्यकतामंद वालों के लिए कुछ सहायतार्थ कार्यक्रम आयोजित होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय NFB इंडिया, जय NFB बिहार, जय संपूर्ण विश्व। धन्यवाद। रुंगटा सर है हम सबके लिए आन बान और शान। रुंगटा सर है हम सबके लिए आन बान और शान, क्योंकि इन्हीं के वजह से मिला है दृष्टिहीन लोगों को सम्मान। क्या जी, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, क्या चल रहा है? आज तो रुंगटा सर के बारे में कविता भी बना रहे हैं, क्या ऐसा आज कुछ खास है क्या? तुझे पता नहीं, आज रुंगटा सर का जन्मदिन है, 17 में है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मालूम तो है लेकिन मैं भूल गई थी। रुंगटा सर तो बहुत खुश है अपने अंधे समाज के लिए, इनको कैसे भूलेंगे, इनको कोई भूल नहीं सकता। ऐसा तो सर जी का काम है, बहुत सारा अंधे समाज के लिए सर ने काम किया है, थोड़ा बताइए सबको। देखो, सर के काम के बारे में और सर के बारे में बताने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूँ। सर ने एजुकेशन से लेकर पुनर्वसन तक, पुनर्वसन से लेकर जॉब तक, इतना ही नहीं जॉब से लेकर प्रमोशन तक, और अभी हम जो घर बैठे हैं एग्जामिनेशन लेके, ये भी रुंगटा सर की ही कृपा है। सही है। आज सब जो सुरक्षित है, ये जो अपना अंधा समाज है, ये जो सुरक्षित घर में बैठे है, ये सभी तो रुंगटा सर की ही कृपा है। ऐसे रुंगटा सर तो अपने सब ब्लाइंड के लिए तो एक भगवान की तरह है, जैसे सभी मनुष्य को जैसा कोई भी संकट खड़ा हो जाए तो ईश्वर याद आ जाता है, उसी तरह अपने ब्लाइंड को कोई भी संकट खड़ा हो जाए, कोई भी संघर्ष आया तो सभी ब्लाइंड को रुंगटा सर की याद आती है। जैसे रुंगटा सर जैसा मनुष्य के लिए ईश्वर है, उसी तरह अब सबके ब्लाइंड के लिए एक भगवान का रूप भी है अपना ये रुंगटा सर। ऐसे ये भगवान के रूप वाले सर और जैसे एक ईश्वर का ही रूप है, ये हम सब के परमेश्वर को, ईश्वर को, यानी अपने रुंगटा सर को आप सब मिलके आज जन्मदिन की बधाई देंगे। बार बार दिन आए, बार बार दिन आए।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वह महासचिव रोंगटा साहब, कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं विजय कुमार, प्रेसिडेंट NFP हरियाणा। सर्वप्रथम तो माननीय महासचिव जी को जन्म दिवस के उपलक्ष में ढेरों शुभकामनाएं, और मैं इस वर्ष से उनकी दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं, और साथ ही मेरी तरफ से वह समस्त हरियाणा संघ परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो ये जन्म दिवस इस वर्ष हरियाणा में मनाने का निश्चय किया गया था, लेकिन कोरोना काल के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया और ये ऑनलाइन मनाने का निश्चय किया गया। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्षा महोदया का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, महासचिव जी इस सदी के जननायक हैं, क्योंकि उन्होंने दृष्टिबाधित समाज के लिए अनेकों कार्य किए हैं, जैसे आरक्षण दिलवाना, विकलांग विधेयक पास करवाना, पदोन्नति में आरक्षण आदि, ऐसे ढेरों कार्य किए हैं और दृष्टिबाधित समाज को रोटी जुटाने के का कार्य भी माननीय महासचिव जी ने ही किया है। दृष्टिहीन समाज उनका काफ़ी लंबे समय तक ऋणग्रस्त रहेगा। मैं पुनः एक बार माननीय महासचिव जी को और अध्यक्षा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संघ के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकाल करके संघ के लिए लगाया है, और समस्त नेत्रहीनों को एक मार्ग दिखाने का कार्य किया है। धन्यवाद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Honorable President, National Federation of the Blind India, Professor Malik Ma'am, Honorable General Secretary, NFB India, Mr. Rongta Sir, Happy Birthday Sir, I, Ayan Budyal from Jammu. I am going to recite a Hindi poem. The title of the poem is Manzil Mil Hi Jati Hai. Tinka Tinka Lakar Chidiya Apna Need Banati Hai. Tinka Tinka Lakar Chidiya Apna Need Banati Hai. नन्नी सी चींटी को देखो बस चलती ही जाती है। नन्नी सी चींटी को देखो बस चलती ही जाती है। घूम घूम कर मधुमक्खी भी फूलों पर मंडराती है। घूम घूम कर मधुमक्खी भी फूलों पर मंडराती है। ले पराग फिर धीरे धीरे मीठा शहद जुटाती है। ले पराग फिर धीरे धीरे मीठा शहद जुटाती है। धीरज का तुम साथ ना छोड़ना कुदरत ये समझाती है। धीरज का तुम साथ ना छोड़ना कुदरत ये समझाती है। लगन अगर हो मन से सच्ची मंजिल मिल ही जाती है। लगन अगर हो मन से सच्ची मंजिल मिल ही जाती है। धन्यवाद। आदरणीय उपस्थित संघ की अध्यक्षा संचालक महोदय, आज हमारे परम आदरणीय कर्मयोगी महापुरुष के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर उनको प्रदेश के उन सभी समस्त दृष्टिबाधित परिवारों की ओर से जो कोने कोने में बैठे हुए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, तथा हमारे उत्तर प्रदेश सहित हमारे परिवार की ओर से भी उनके आज पावन दिवस के अवसर पर बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, और ऐसे महापुरुष की जन्मदात्री माता को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनके परिवार को आज जो उनका कदम कदम पर सहयोग कर रहे हैं वो भी निश्चय ही बधाई के पात्र हैं।
उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहे, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे, दीर्घ आयु हो, और प्रदेशवासियों की ओर से पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। साथियों, दृष्टिबाधित समाज के मसीहा हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय रुंगटा जी के जन्मदिन को हम लोग सम्मान पर्व के रूप में आज मना रहे हैं। इस सम्मान पर्व की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर मलिक मैडम और हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सबके मसीहा श्रद्धेय, आज के इस कार्यक्रम के आधार केंद्र बिंदु श्रद्धेय रुंगटा साहब, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। रुंगटा जी, जिस तरीके से हमारे समाज के लिए आपने अपने पूरे जीवन को खपाया है, मेरे पास वो शब्द नहीं हैं कि हम आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के को परिभाषित कर सकें, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों, और साथ में बना दृष्टिबाधित समाज की आप निरंतर ऐसे ही सेवा करते रहें जिस तरह से आपने पिछले लंबे समय से की है। और ऐसे मौके पर मैं अध्यक्ष प्रोफेसर मैडम को भी बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से वो अध्यक्ष बनी हैं अथवा मेरे समाज दृष्टिबाधित समाज में उनका प्रवेश हुआ है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति की है, बहुत ऊँचे मुकाम पर पहुँचा है, और जब से वो अध्यक्ष बनी है उसके बाद तो फिर कहना ही क्या कि हमारे जो वर्चुअल कार्यक्रम भी जो हुए हैं वो समझ में आने लगे कि हमारे प्रोग्राम्स की डिग्निटी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार रुंगटा जी को पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर के जन्मदिन के अवसर पर ये प्रस्तुति रखने जा रहे हैं तो रुंगटा सर को हमारी गुजरात की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। सृष्टि करने का आधार है पिता, कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा। छठवां जन्म दिवस के पावन बेला पर मैं सुधांशु कुमार मंडल, आदरणीय महासचिव राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ माननीय एस के रुंगटा सर को जन्मदिन की ढेरों सारी बधाई प्रेषित करता हूं, तथा मेरे पूरे परिवार के तरफ से आदरणीय महासचिव जी को कोटि कोटि बधाई। मित्रों, जिस प्रकार से पिछले 4 दशकों से ऊपर समय से आदरणीय महासचिव जी ने दृष्टिहीन का ही नहीं अपितु पूरे विकलांग समाज का सेवा जिस तन्मयता के साथ उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इस काल खंड को मैं रोंगटाइज्म के नाम से प्रेषित करता हूं, और निश्चित रूप से ये जो दृष्टिबाधित समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, सभी के लिए जिस प्रकार का आदरणीय महासचिव जी ने प्रयत्न किया, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका सानिध्य हम सभी समाज के व्यक्तित्व को या विकलांग समाज को लंबे समय तक और मिलता रहे, जिससे कि समाज में और जो विकृतियाँ हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं आज भी मुंह आए खड़ी है, किंतु आदरणीय महासचिव जी के सक्रिय प्रयास से सारी समस्या जो है दूर हो पा रहा है। आपने देखा है मित्रों, इस समय जो कोरोना का प्रकोप प्रकाष्ठा पर है, किस तरह से आदरणीय महासचिव जी ने अपने योग्यता के बल पर, अपने बलबूते जो है सभी को इस कार्य से मुक्त किया है, छुट्टी दिलवाया है। निश्चित रूप से आप यकीनन तौर पर इसको मान लीजिए
किसी राजनेता का भी बस के अकेले दम पर ये हिम्मत व साहस नहीं था जिस प्रकार के हमारे महासचिव जी ने किया है। निश्चित रूप से हम इस अवसर पर जन्मदिन के इस पावन बेला पर आदरणीय महासचिव जी को कोटि कोटि बधाई तथा उनके और लंबे समय तक स्वस्थ रहने की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं डीएन मरडे, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड महाराष्ट्र ट्रेजरर। इसके रोंगटा साहब के जन्मदिन के अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और जन्मदिन के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपने ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल साहब ने अगर ब्रेल लिपि की खोज नहीं की होती तो दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ना असंभव था। लुई ब्रेल साहब ने ब्रेल लिपि की खोज नहीं की होती तो दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ना असंभव था। वैसे इसके रोंगटा साहब हमारे दृष्टिबाधित समाज में अगर नहीं आए होते तो हमारा जीना असंभव था। साथियों, बहुत सारे कहने के लिए बहुत है। अभी लेटेस्ट जो एग्जांपल है अपने कोविड परिस्थिति में, रोंगटा साहब ने हमको एग्जम्पशन दिलवाया, इसलिए हम सुरक्षित है। और बहुत सारे लोगों के सैलरी भी कट रहे थे तो भी उन्होंने वापस दिलवाई सैलरी, इसके लिए हम इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत है। नहीं तो हम कोविड के चपेट में आते थे और हमको बहुत प्रॉब्लम आ जाता था। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं महासचिव महोदय जी को नमन। आज महासचिव महोदय का 68वां जन्म दिवस है जिस पर हम महासचिव महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। माननीय महासचिव महोदय का 67वां और 68वां जन्म दिवस ऐसे पैंडेमिक समय में आया है जिसमें हम लोग एक साथ एकत्रित होकर उनके जन्म दिवस को नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन के समय में हम उनके जन्म दिवस को सभी लोग घर में बैठ करके मना पा रहे हैं। माननीय महासचिव महोदय ने हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए इस पैंडेमिक समय में इतने कार्य किए हैं कि हम इस जन्म दिवस को बहुत अच्छी तरह से ऑनलाइन माध्यम से मना पा रहे हैं। माननीय महासचिव महोदय ने दृष्टिबाधितों के सभी वर्गों के लिए अपनी ओर से ऐसे प्रयत्न किए कि हम लोग आज सुरक्षित और अच्छी तरह से अपने घरों में रह रहे हैं। माननीय महासचिव महोदय ने हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए एग्जेम्पशन दिलवाया ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। इसके साथ हमारे छात्र छात्राओं की परीक्षा और स्क्राइबर रूल्स पैटर्न में कुछ परिवर्तन करवाए ताकि छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या इस पैंडेमिक में ना आ पाए। इसके अलावा माननीय महासचिव महोदय के अथक प्रयासों से हमारे बेरोजगार साथियों को अन्न जल भोजन की व्यवस्था कराई गई तथा उन्हें कुछ सहायता राशि दी गई जिससे कि वे भी अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। रोंगटा साहब हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? जावेद साहब के शब्दों में यदि मैं कहूं तो यही होगी, जो बात कहते डरते हैं यहाँ सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं यहाँ सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख। तो साथियों, अपने अपने समय को, अपने समाज को इस संदेश के माध्यम से तलाशते हुए हम अगले कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया और समस्त भारतीय नेत्रहीन परिवार का मैं वसंता पद्मिनी नमस्कार करती हूँ। रोंगटा सर के 68वां जन्म दिवस पर मैं श्रीलंका के सभी नेत्रहीन भाई बहनों की ओर से बधाई देती हूँ और अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर मलिक का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबको बधाई देने का यह
सुअवसर प्रदान किया। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। नाम आमिर अशरफ है, मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ। पी ए बी जो कि कौमी नुमाइंदा तंजीम है ब्लाइंड की, उसके प्लेटफॉर्म से मैंने रुमटा साहब की क़यादत में एशियन ब्लाइंड यूनियन और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन पे काम किया, और रुमटा साहब की कोशिशों से मैं वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का लाइफ टाइम मेम्बर बना। आज रुमटा जी आपकी 68वीं यौम पैदाइश है, इस मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कोविड की वजह से इंडिया में जो हालात चल रहे हैं और पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उस पे बहुत ज़्यादा तशवीश है, और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान समेत, इंडिया समेत, पूरी दुनिया में जितने भी लोग कोविड से मुतासर हैं उनको अल्लाह सेहत दे और उनको इस बीमारी से, इस वबा से दूर रखे। कंग्रेचुलेशंस अगेन ऑन योर 68th बर्थडे। तो पिछले 5 दशकों से रोंटा साहब निरंतर विकलांग समाज के क्षेत्र में दृष्टि बाधितों के राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के जरिए कार्यरत है। यह सच किसी से छुपा नहीं है, किंतु कोरोना काल में उन्होंने जिस निष्ठा, जिस समर्पण से, जिस जीवंतता से दिल्ली उच्च न्यायालय के माध्यम से अपने विकलांग समाज के रोटी और रोजगार की लड़ाई लड़ी है, अपने समाज को हक और हुकूक दिलाए हैं, उसने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। चाहे वो फूड सिक्योरिटी का मामला हो, कार्यालय से छूट का मामला हो, COVID-19 की चिकित्सकीय व्यवस्था में सहूलतों का मामला हो, रोंगटा साहब ने जिस तरह से कोरोना काल में काम किया है उस कार्य से उन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। मैं बहुत ही आदर और अदब के साथ उन्हें आज के अभिभाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। जावेद साहब की पिछले दिनों लिखी एक नज्म के कुछ शेरों के साथ रोंगटा साहब मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। जरा मौसम तो बदला है, जरा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों को आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जरा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों को आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कभी हमको यकीन था, जुनू था, दुनिया हमारी मुखालिफ हो तो हो जाए। कभी हमको यकीन था, जुनू था, दुनिया हमारी मुखालिफ हो तो हो जाए, मगर तुम मेहरबान रहो। हमें ये बात वैसे अब याद तो क्या है, लेकिन हाँ इसे अक्सर भुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जहाँ इतने मसाहिब हो, जहाँ इतनी परेशानी, जहाँ इतने मसाहिब हो, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानी हाँ क्या। बहुत माकूल है यह बात, लेकिन इस हकीकत तक दिले नादा को लाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कोई टूटे हुए शीशे लिए अब सुरदाओ मगमूम, कब तलक यूं ही गुजारे बेतलब बे आरजू दिन। तो उन ख्वाबों की किरचे हमने पलकों से झटक दी हैं, तो उन ख्वाबों की किरचे हमने पलकों से झटक दी हैं, मगर नए अरमां सजाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जरा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। शाम हो गया व ऑनलाइन पर वर्चुअल मोड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, मेरे सहयोगी साथी, संघ के सिपाही, दृष्टिबाधित समाज के सभी साथीगण,
सर्वप्रथम मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से लगातार अपने संदेशों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी भावनाओं को संगीत बद्ध करके जिस तरह आप सबने, प्रत्येक साथी ने, प्रत्येक सिपाही ने, चाहे वो बेरोजगार हो, रोजगार युक्त हो, बहन हो, भाई हो, युवा हो, वरिष्ठ हो, सबने जिस तरह मेरे प्रति, संघ के प्रति अपनी आस्था और स्नेह दिखाया है, वो निश्चित रूप से मेरे लिए और संघ के लिए और संगठन के लिए एक अमूल्य निधि है। मित्रों, आज हम जब इन विषम और विपरीत परिस्थितियों में सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं वर्चुअल मोड से, तो यह इस समारोह के अवसर पर हम सब हमेशा ये भी स्मरण रखेंगे कि हमारे कुछ ऐसे साथी जिनके सहयोग के बिना, जिनके साथ के बिना संघ की जो अधिकारों की ये लंबी संघर्ष यात्रा जारी है, उसमें जो सफलता मिली है उनकी भी भागीदारी के बिना ये संभव नहीं होता। लेकिन आज उनमें से कुछ साथी हमारे बीच नहीं है। मैं इस अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि ऐसे साथियों को अर्पित करता हूं, उनके सहयोग को नमन करता हूं, उनकी प्रतिबद्धता को प्रणाम करता हूं। साथियों, किसी भी जीवन यात्रा में, किसी भी संघर्ष में हमें हर सिपाही, हर साथी के योगदान को मानना और उसके योगदान को याद रखना और उसके योगदान के आधार पर उसके द्वारा किए गए सहयोग को अर्थपूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ये बहुत आवश्यक है और यही किसी भी संगठन की शक्ति है। आप सबने मेरे जन्मदिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया पिछले कई वर्षों से। ये सम्मान, जिस सम्मान की दिवस की बात हम करते हैं, ये सम्मान दिवस दृष्टि बाधित समाज के अधिकारों के सम्मान को, समाज को स्मरण कराने के लिए सम्मान दिवस के रूप में मैं समझता हूं कि हम सब मनाते हैं। समाज को ये संदेश देने के लिए हम सम्मान दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं कि हमारी अधिकारों की संघर्ष की यात्रा, अधिकारों के लिए हमारा संघर्ष राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बैनर के तले एकजुट होकर अनवरत जारी रहेगा, कोई बाधा उसको रोक नहीं सकेगी। और इस दिवस पर हम सबको यह स्मरण भी यह दिवस कराता है कि इस संघर्ष यात्रा को जो हमने राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप से पिछले 41 साल से चलाई है, उस संघर्ष यात्रा को अविरल गति से उस समय तक चलाना है जब तक कि हमारे अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति को न्याय न हम दिला सके। संगठन में लोग आएंगे जाएंगे, नेतृत्व में
लोग आएंगे जाएंगे, नेतृत्व लोग संभालेंगे छोड़ेंगे, कोई इस यात्रा में किस दूरी तक चल पाएगा, लेकिन जिस भी दूरी तक कोई भी चले उसके बाद सेना में, जो सेना जब रणनीति रण में जाती है तो वो ये नहीं देखती कि आगे वाली पंक्ति में क्या खाली स्थान हुआ। सेना आगे वाली पंक्ति को खाली नहीं होने देती, चाहे कोई व्यक्ति उस पंक्ति से किसी भी कारणवश हट जाए। और मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये बड़े संतोष का विषय है कि संगठन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ इस माने में एक अपनी अलग पहचान बना चुका है, जहां नेतृत्व ये तय नहीं करता कि संघ का एजेंडा क्या हो। आज आपकी अपेक्षाएं, युवाओं की अपेक्षाएं, बहनों की अपेक्षाएं, बेरोजगारों की अपेक्षाएं, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की अपेक्षाएं जो अभिव्यक्त होती हैं वो संगठन का एजेंडा तय करती है। और कोई भी संगठन अपना एजेंडा अगर टॉप टू बॉटम सेट करेगा तो वो अनवरत रूप से संघर्ष यात्रा नहीं कर सकता। अगर बॉटम टू टॉप एजेंडा तय होंगे तो निश्चित रूप से हम संगठन को हमेशा उपयोगी और हमेशा रेलेवेंट बनाए रखेंगे। और ये स्थिति आज संगठन में है। बहनों का, युवाओं का जिस तरह से सहभाग बढ़ता जा रहा है, उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से उनको नेतृत्व में भी अवसर मिल रहे हैं, वो निश्चित रूप से संगठन के लिए एक बड़ी पूंजी है और शक्ति है। बहुत से साथियों के संदेश सुने पिछले कुछ दिनों में और आज भी, भावनाएं किसी भी रूप में अभिव्यक्त हुई, उनको सुना, उन पर मनन किया। मेरा एक बड़ा आग्रह है आप सबसे, आप कभी ये ना सोचें, और कभी, क्योंकि ये कमजोरी का प्रतीक है, आप कभी ये ना सोचें कि हमारे नेतृत्व में संतोष कुमार रुंगटा नहीं रहेंगे तो क्या होगा। मेरे नेतृत्व की सफलता मैं तभी मानूंगा जब हमारा हर सिपाही यह विश्वास रखे अपने में कि किसी भी स्थिति में संतोष कुमार रुंगटा अगर नेतृत्व में हो या ना हो, संगठन उससे ज्यादा तीव्र गति से दृष्टिबाधितों के हितों की रक्षा करता रहेगा। साथियों, पिछले 40-50 वर्षों के संघर्ष में जो मैंने अर्जित किया है वो युवाओं में एक विश्वास, एक आस्था और एक सहयोग और सक्रियता से संघ की गतिविधियों में भाग लेने का जज्बा जो अर्जित किया है मैंने, मैं समझता हूं वही मेरी सबसे बड़ी और संगठन की सबसे बड़ी पूंजी है। ये पूंजी हमें संचित रखनी है, ये पूंजी अमूल्य है। बहुत बिरले संगठनों के पास ये पूंजी है, और यही पूंजी हमारे संगठन के स्थायित्व और अस्तित्व
को बनाए रखने का आधार है। मेरी आप सबसे अपील है, मेरा आग्रह है, अनुरोध है, बड़ी विनम्रता से प्रार्थना है कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व से अपने में कमतर क्षमताओं को देखने का प्रयास न करें। आप में भी वही क्षमताएं हैं, आप में भी वही जज्बा है, आप में भी वही प्रतिबद्धता है जो एसके रुंगटा या किसी अन्य पदाधिकारी में है। और जब हम अंदर से इस कमजोरी को दूर कर देंगे तो कभी भी संगठन के भविष्य के विषय में अनिश्चय का भाव कभी नहीं आएगा। एकजुटता बढ़ेगी, सामूहिक नेतृत्व की भावना बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान सौहार्द बढ़ेगा और उससे जीवन के हर क्षेत्र में संगठन अपने साथियों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो सके। राज्य हो, जिला हो, गांव हो, वहां पर इसी सामूहिक नेतृत्व और अपनी क्षमता में विश्वास के बल पर, हर सिपाही की क्षमता में विश्वास के बल पर संगठन कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, ऐसा मेरा अनुभव। याद करिए, जब 1978 में मैंने बागडोर संभाली थी, 1980 में जब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन संगठित रूप से प्रारंभ किया था, उस समय संगठन के पास क्या था, वित्तीय साधन क्या थे? संगठन में जो आज आस्था है वो आस्था उस समय तक शुरू पैदा करने का शुभारंभ हो रहा था। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि जो विषम परिस्थितियां होती हैं, जब आप अपने अस्तित्व और अपने समाज में अपने स्थान के लिए को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, तो निश्चित जानिए कि आप और जज्बे के साथ, साधनों के की अनुपलब्धता की परवाह किए बिना, आप और तीव्रता से और दृढ़ निश्चय से उस संघर्ष में आगे बढ़ते हैं। और वही मैंने देखा है और उसी का परिणाम है कि आज जिस कारण आप मेरे जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये उसी जज्बे का परिणाम है। और उस जज्बे ने चुनौती दी संसाधनों को, उन्होंने कहा कोई भी बाधा, जैसा मैं कह रहा हूं कि कोई भी बाधा हमारे आड़े नहीं आएगी। साथियों, आज संगठन के पास पहले की स्थिति में बहुत अच्छे संसाधन है, लेकिन इन संसाधनों को संजो के रखना, इन संसाधनों का उपयोग सबसे जरूरतमंद व्यक्ति के पक्ष में करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का हम सबको निर्वहन करना होगा। पिछले साल की भांति ही इस बार भी हम पीड़ा जानते हैं उन परिवारों की, जिनकी जो कुछ भी छोटी मोटी आजीविका थी कोरोना काल में छिन गई। उनके परिवारों के पास 2 जून की रोटी के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष है उनके सामने। हम संसाधनों की सीमा को समझते हुए पूरी तरह से तो उनको आश्वस्त नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा प्रयास आज से प्रारंभ हुआ है। 500 रुपये प्रति माह के की दर से 3 माह के लिए जो राज्यों से अनुशंसाएं आई हैं,
पैरामीटर्स के हिसाब से अपने सदस्यों को हम देंगे। और ये जो सहभागिता है, संघ का जो सहयोग है उन साथियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए, वो आज उसकी पहली खेप ट्रांसफर हो रही है, हो गई होगी। 213 लोगों की का ट्रांसफर हुआ, जिनका अकाउंट वगैरह सब डिटेल क्लियर थे, उनका आज हो गया है। कुछ जगहों से अकाउंट्स वगैरह की डिटेल आनी है, IFSC कोड बहुत सी जगहों के नहीं थे, इसलिए उनका ट्रांसफर आज नहीं हुआ है। राज्यों के महासचिवों से निवेदन किया है मैंने कि वो सारी सूचनाएं कल तक दे दें, ताकि उन साथियों को भी पहुँच सके। आज 500 रुपये का की पहली किश्त जारी है, फिर जून में दूसरी किश्त और जुलाई में तीसरी किश्त जाएगी। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से बेरोजगार युवा साथी और बेरोजगार परिवारों वाले साथी संघ में, राज्यों में, जिलों में काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं। उनके पास आर्थिक तंगी है, फिर भी वो संघ के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैंने ये तय किया है कि ऐसे 15 युवक या परिवार वाले वरिष्ठ कार्यकर्ता, तो जरूरी नहीं है कि युवक ही, जो भी बेरोजगार हैं और संघ में सक्रियता से काम कर रहे हैं, संघ के साथ एक सिपाही के रूप में जुड़े हुए हैं, उनको अगले 1 साल तक मैं अपने व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से 1000 रुपये मैंने दूंगा, ताकि इस विभीषिका में जो लंबी चल सकती है, उनका जो जज्बा है, उनके पास जो डायलमा है, एक तरफ परिवार, एक तरफ संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, उस संगठन में सक्रियता, वो जो है जज्बा, उस जज्बे को भी बनाए रखा जा सके और परिवार को थोड़ा बहुत कुछ सहयोग हमसे मिल सके। मैं ये मानता हूं कि हमारे इस कार्यकर्ता, इन कार्यकर्ताओं का हमारी चाहे व्यक्तिगत जो आय है उसमें भी उनका हिस्सा है, उसमें उनका शेयर है, उनका अधिकार, और इसलिए एक ये छोटी शुरुआत मैं व्यक्तिगत रूप से, संगठन के नाम से ही लेकिन व्यक्तिगत रूप से, बिना संगठन के कोष पर बोझ डाले करना चाहूंगा। मैं पुनः आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिस तरह आपने स्नेह दिखाया है, जिस तरह आपने विश्वास रखा है, और हर इस तरह के आयोजन में आप मुझे और दायित्व सौंपते हैं और मुझसे यह अपेक्षा रखते हैं कि मैं और सक्रियता से आपके हितों की संगठन के माध्यम से रक्षा करने का बीड़ा उठाऊं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मेरे में आपकी अपेक्षाओं और आपके विश्वास पर खड़े होने उतरने की शक्ति है, तभी तक मैं इस दायित्व का निर्वहन करूंगा और प्रयास करूंगा कि अंतिम सांस तक दायित्व निर्वहन कर सकूं। मैं आज जो ये आयोजन हुआ और पिछले 2 दिनों से विभिन्न राज्यों के ग्रुप्स पे जो आयोजन हुआ है, उसके लिए सभी आयोजकों को और इस रूपरेखा को बनाने के लिए, इस सम्मान दिवस के समारोह को, के सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो रूपरेखा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने माननीय अध्यक्षा के मार्गनिर्देशन में नेतृत्व में की है और जिसको अंतिम रूप दिया है, कार्यान्वित किया है,
उसके लिए उनका, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, सभी राज्यों के साथियों का और सभी सहभागियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करूँगा कि हमारे संगठन में, हम सब में, संगठन के प्रत्येक सिपाही में वो जज्बा है, वो शक्ति है, वो प्रतिबद्धता है, वो सक्रियता है, वो ऊर्जा है जो हमारी अधिकारों की संघर्ष यात्रा में किसी भी सुनामी को रोकने में सक्षम है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, सावधानी बरतें। इस कोरोना काल में हम सब मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी ओजस्विता ने, आपकी ओजस्विता ने हमें जिस तरह की शक्ति प्रदान की है उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मैं आपकी चरण वंदना करती हूँ कि आपका व्यक्तिगत और आपका सांगठनिक कुछ भी पृथक नहीं है, दोनों इस तरह से मिले हुए हैं कि आप अगर व्यक्तिगत रूप से सक्रिय ना हो तो संगठन भी सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं हो सकता, और अगर आप सांगठनिक रूप से सक्रिय ना हो तो आपका व्यक्तिगत भी कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए मैं आपके दोनों ही तुत्य प्रयासों को नमन करती हूँ। साथियों, भारत का ही नहीं, सारी पृथ्वी का आकाश अनंत अनंत सितारों से भरा है, पर उनकी चमक की सत्यता को हमेशा जांचते रहने की परंपरा रही है और जांचते रहना भी चाहिए। हर चमक शाश्वत नहीं होती, कुछ चमक चमत्कृत करने के लिए होती है तो कुछ बार बार सत्यापित करने पर भी बनी रहती है, शाश्वत रहती है। जब हम उस चमक को परखते हैं तब हम जान पाते हैं कि जब ये सितारे इस धरती पर देह धर्म की अस्मिता के साथ रहते हैं तब तक हम उन्हें वैसा महत्व, वैसा सम्मान नहीं देते जैसा कि उनके चले जाने के पश्चात उनकी चमक को, उनकी ड्यूटी को प्रदान करते हैं। इतिहास ऐसे अनंत उदाहरणों से भरा पड़ा है। छत्रपति शिवाजी को उस समय, उनके समय में ना दक्षिण के गोलकुंडा, बीजापुर और निजामशाही राजाओं ने और ना ही केंद्र के मुगल शासकों ने उन्हें राजा स्वीकार किया था। उन्होंने पहली बार स्वराज्य की स्थापना की जहां हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति का सम्मान बराबर हो, जहां प्रत्येक को समता प्राप्त हो। वह हिंदू राज्य नहीं था, स्वराज्य था। और एक और नजीर छत्रपति शिवाजी ने अपने समय में तैयार की थी, नेवी की, जल सेना की। वो गोवा के पास कोंकण से लेकर दक्षिण में चेन्नई, मद्रास तक समस्त समुद्र तट उनका स्वराज्य बना था। समुद्र उस समय, आप जानते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का स्रोत था। उस शक्ति के स्रोत पर अपना आधिपत्य स्थापित करके छत्रपति शिवाजी ने अपने आप को इतिहास में सर्वोपरि प्रणम्य राजा के रूप में स्थापित किया। रोंगटा साहब ने भी अपने समाज के लिए, अपने समय के अनुसार सर्वप्रथम इसी प्रकार अर्थ स्रोत को चुना था और स्वाभिमान की रोटी अर्जित करने के लिए रोजगार पाने की लड़ाई लड़ी थी। उनके नेतृत्व में किए जाने वाले समस्त समाज हितार्थ आंदोलन, दुष्यंत के शब्दों में यदि मैं कहूं तो, अपने समय को चुनौती के रूप में प्रतिध्वनित इस तरह से दे रहे थे, कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, खाते खाते लोग अघाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। उन्होंने विकलांग समाज को
रोजगार पाने का शाश्वत रास्ता दिया। मंजिल सबकी अपनी अपनी हो सकती है मित्रों, और हुई भी यदि रास्ता मिले तो कोई आईएएस बना तो कोई क्लर्क बना, कोई चपरासी बना तो कोई प्रशासक बना। समय ने यह सिद्ध भी कर दिया, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो हो नजर के लिए। वे मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज के असर के लिए। यह असर निश्चित रूप से उस समय भी हुआ था और आज तक हमें दृष्टिगत हो रहा है। आप सभी अपने परिवेश का मूल्यांकन करके इस असर का प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। मित्रों, आप सभी ने सम्मान पर्व को जिस हर्षोल्लास के साथ पिछले 3 दिनों से उत्सव लगन और जिस मेहनत और शिद्दत के साथ मनाया है, उसने मुझे सांस्कृतिक चेतना की उस लौ का दर्शन करवा दिया है जो संघ को लेकर मेरा एक स्वप्न था, जिसे मैं प्रदीप्त करने की कोशिशों में निरंतर पिछले 7 वर्षों से प्रयत्नरत थी। रोंगटा साहब ने उदारता के साथ उस सांस्कृतिक दीपक में तेल निरंतर भरा है और वे सदैव भरते रहेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आप सभी देश भर से जुड़े तमाम समर्पित बहन भाइयों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने संघ में अपनी प्रतिबद्धता, अपनी निष्ठा, अपना समर्पण प्रदर्शित करके संघ के संघ होने को सार्थकता प्रदान की है। हमारे उन बेरोजगार बहन भाइयों की सूची, जैसा कि रोंगटा साहब ने बताया, तैयार की जा चुकी है। अभी हमारे संघ के कर्मचारी उनके खातों में धनराशि डलवा रहे हैं और जिनके खाते सही नहीं थे, लगभग 7-8 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त करके सही उनके अंक पुनः उसमें धनराशि डाली जाएगी। आप सबका जीवन सम्मान पूर्वक निर्वाह हो सके, ऐसी हमारे संगठन की इच्छा और कर्म दोनों है। विदेशों से जुड़े अपने मेहमानों, पाकिस्तान से जुड़े भाई आमिर अशरफ और श्रीलंका से जुड़ी बहन वसंता पद्मिनी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और उन सभी देशी विदेशी संदेश प्रेषण करने वालों से क्षमा प्रार्थी हूँ जिनके संदेश या कोई कार्यक्रम कुछ कठिनाइयों के चलते इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जा सके। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई मनोज के प्रति आभार व्यक्त किए बिना मेरा आभार पूरा नहीं हो सकता, जिन्होंने बीमारी के बावजूद कार्यक्रम संयोजन में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई। बहुत से हमारे साथियों ने ऑडियो संदेश भेजे थे, ऑडियो YouTube पे चलने के कारण शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज वे तमाम संदेश व्हाट्सएप समूह पर प्रेषित कर दिए जाएं। और कुछ साथियों ने बहुत ही विलंब के साथ अपने संदेश भेजे और कुछ हमारी तकनीकी पकड़ में कमजोरी के कारण हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके, उन सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ और विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने आप को संघ के इस कार्यक्रम में शामिल ही समझे। अंत में मैं परमपिता परमात्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिसने हमें इस घड़ी का साक्षी बनाया, इस क्षण का साक्षी बनाया। अंतश्चेतना की प्रेरणा से हम इसी तरह उत्सव धर्मी बने रहे जिससे वर्तमान विपत्ति काल के जख्म मरहम प्राप्त कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस नदी से आज भी ठंडी हवा
आती तो है, इस नदी से आज भी ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आप सभी अपने संगठन की क्रांति धर्मिता को बनाए रखें, यही आप सबसे मेरी अपील है। अपना सत्य स्वयं ढूंढने की कोशिश करें, अप दीपो भवा संगठन का यही प्रयास है। आप अपने प्रकाश से प्रकाशित होते रहें और अपने प्रकाश पुरुषों के महत्व को समझकर आत्मसात करते रहें। इसी बात के साथ मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया।